अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बाल्टी कीमा। और बाल्टी कीमा के लिए जो है वो मैंने कीमा लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब, और इसको मैंने रिवाज थोड़ा सा इसमें ऐड करवा के पिसवा लिया था। प्याज 4 मीडियम साइज़, हरी मिर्चें बड़ी वाली 8 से 10, दही 1 कप, नमक 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टी स्पून, भुना हुआ जीरा 1 टी स्पून पिसा हुआ, काली मिर्चें पिसी हुई 1 टी स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टी स्पून, हरी मिर्चें 4 से 8 मैंने ले ली हैं और उसको बारीक पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर की प्यूरी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। अगर आप टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो 6 से 8 टमाटर को बारीक पीस कर ग्राइंड करके यूज़ कर लीजिएगा। तेज़पात 2 से 3, काली मिर्चें 8 से 10, एक दालचीनी, लौंग 2-4, बादियान के फूल 2, जीरा 1 टेबल स्पून, एक गरम मसाला, काली मिर्चें, धनिया, जीरा और दालचीनी, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, इन सबको मैंने भून लिया है ताकि ये इसको पीस कर आखिर में सर्विंग के टाइम पर जब डालते हैं तो ये इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो इसको मैं हल्का सा रोस्ट करके इसको पीस लूँगी बिल्कुल बारीक। अब आधा कप के करीब जो है वो मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, प्याज के साथ तेज़पात। जब प्याज हल्की ब्राउन होने लगे, डार्क ब्राउन नहीं करेगा, लाइट ब्राउन जब हो तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, जीरा, काली मिर्चें, धनिया, गरम मसाला, तमाम मसालों को डालकर के साथ हल्का सा जो है वो आप भून लें। अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी, ताकि ये कीमा इसमें अच्छे से गल जाए। 1 गिलास पानी जो है वो काफ़ी होगा। अब इसको ढककर मैं पकाऊंगी तकरीबन आधा घंटा। अब आधा घंटा हो गया है और कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल गया है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी, दही ऐड करके इसको भूनना है। अब दही के साथ गरम मसाला जो मैंने तवे में भूनकर पीस लिया था, अब 1 चम्मच मैं इसमें मक्खन भी ऐड कर रही हूँ, इससे तरी अच्छी आ जाती है। हरी मिर्चें 2 से 3 मैं डालकर मसाले के साथ भून लूँगी। अब इसमें मेथी, कसूरी मेथी, अब इसको मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी और इसको सर्व करूंगी।